फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 क्लास 10 इंग्लिश पेपर का फुल सोल्यूशन। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये पेपर देख लीजिए। ये आपका पेपर क्लास 10th इंग्लिश का इस प्रकार से आने वाला है। क्लास 10th इंग्लिश का इसका सोल्यूशन देखने के लिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th इंग्लिश का सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, पूरा अंक आपका होगा 80 नंबर का। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं दोस्तों, सेक्शन ए रीडिंग का दिया हुआ, पहला दिया हुआ इसमें क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये दोस्तों आपको आपको पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एम्पेरर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, द पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन ए लेक नियर बाई। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा, द एम्पेरर्स ऑर्डर्स वर दैट ऑल द। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में से आपका दोस्तों ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, वाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। ए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए हैंडफुल ऑफ ईयर। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, द एम्पेरर फियर्ड। तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गेटिंग ओल्ड। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये दोस्तों यहाँ पर पैसेज दी हुई है, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज डैश वेल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, वेल, सी बीड्स, फिश प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेजिटेबल्स ऑयल इज मेनली यूज फॉर। चार ऑप्शन दिए हुए, चार ऑप्शन में से आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुकिंग। इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपने इसका आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, द डैश डैश ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फिट ऑन ए वेल इज कॉल्ड ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लबर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्शन, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन बी दिया हुआ राइटिंग का, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। ये आपको दोस्तों पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, द सुटेबल टाइटल इज हम्बल बॉडी। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज यू फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल। अथवा में दिया हुआ है, यू आर प्रमोद मिश्रा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अमित इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अमित इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। तो ये इसका दोस्तों लेटर लिखा हुआ, जल्दी से आप लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च करें नित्या स्टडी पॉइंट .com। जब आप दोस्तों गूगल पर सर्च करेंगे नित्या स्टडी पॉइंट .com, तो यहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।
पांचवा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है किसी एक टॉपिक पर, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एन इंडियल फेस्टिवल, और राइट एन आर्टिकल। अथवा में दिया हुआ है ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। स्टूडेंट लाइफ एंड डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, स्वच्छ भारत मिशन 5, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पर दोस्तों माई हॉबी पर ऐसे दिया हुआ, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ्स फिट एंड हेल्थी। तो ये इसका उत्तर दिया है दोस्तों, जल्दी से नोट करिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद सेक्शन सी दिया हुआ ग्रामर का, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। पहला दिया हुआ इसमें ही इज डेस्टेड एस हावर लेट, तो इसमें हो जाएगा एन। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ ही इज अंकल डाइड कैंसर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। तीसरा दिया हुआ क्वेश्चन ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर बीकम। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा शुड। पाँचवा दिया क्वेश्चन ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, ही इज इल बिकॉज। जल्दी से दोस्तों अपनी कॉपी में फिल करते जाइए सारे क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा सम। फिर इसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड, पहला दिया हुआ इसमें रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्जाम ईजिली, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सो। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द बॉयज, तो इसका उत्तर हो जाएगा द टॉयज आर बींग मेड बाई चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। फिर इसके बाद चौथा दिया हुआ ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका उत्तर हो जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। पांचवा दिया क्वेश्चन दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसका उत्तर हो जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन दिया हुआ सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा हु इज सिटिंग एट द लास्ट ब्रांच इज माई सिस्टर। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला दिया हुआ इसमें हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 पीसेस, इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पॉइंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप स्नो, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, जी दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ दीज नेम एंड नेम्स डिड एनी गिव टू हर डिलेरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिटी, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इन वाट वे पेगी वाज क्रूएल टू बंडा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यूज्ड टू बली हर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉर्ग इज फेमस फॉर टी ब्रेड कॉफी ग्रीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफी, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर डिड सिद्धार्थ बॉ टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट केम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर पीपल ट्री, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये दोस्तों दिया हुआ एक्सट्रैक्ट, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रीड कर लेना। फिर इसके बाद पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लेटर टू गॉड, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा दिया क्वेश्चन वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फिर इसके बाद तीसरा दिया क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीमेटली, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद बी नंबर दिया क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा फायर एंड आइस, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है
वाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइज, फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा दिया क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द एबव पोएम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद ग्यारहवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, पहला क्वेश्चन दिया है उसमें व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो इसका उत्तर दिया हुआ लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो इसका उत्तर दिया हुआ इसमें फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट ए विक्ट्री ओवर फियर, अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंक्योर फियर। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, इसका उत्तर दिया हुआ द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, ही वाज फ्राइटनेड टू सी द सी अराउंड हिम, ही वाज अफ्रेड दैट द वुड फॉल डाउन इन टू द सी, ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें Why does Annie want to keep a diary? इसका उत्तर दिया हुआ है Annie decided to keep a diary as she had two true friends. She figured paper had more patience than humans did. She had caring parents, a 16-year-old sister and about 30 people. She could call her friends. She knew the situation would never change. So she decided to keep a diary. फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोंस्की लेटर से, तो इसका उत्तर दिया हुआ जॉन मिस्टर जॉन पेट्रोंस्की वांडा फादर हैड रिटन इन हिज लेटर दैट ही वुड नॉट सेंड हिज किड्स वांडा एंड जैक टू स्कूल एनी मोर बिकॉज दे आर मूविंग टू ए बिग सिटी, ही आल्सो मेंटवाइनेड दैट नोबडी वुड टीज देम बाई कॉलिंग देम पोलक एंड नोर नैनी बडी वुड आस्क दैट वी दे हैड ए फनी नेम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें वाट इज द बेकर कॉल्ड टू गोवा, वाट डिड द बेकर्स बियर इन पोर्टुगेज डे, तो दोस्तों ये इसका उत्तर दिया हुआ, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसकी कॉपी में इसका उत्तर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, तो ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ, इसे अभी आप जल्दी से नोट करिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद बारहवा क्वेश्चन दिया हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू, पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप जल्दी से नोट करिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ वेयर डिड द बॉल गो, ये इसका उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ हाउ डज द फॉग गेम, तो दोस्तों ये इसका उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद तेरहवा क्वेश्चन दिया हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, पहला दिया हुआ उसमें वाई वाज डॉक्टर हैरेट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून, दोस्तों ये इसका उत्तर दिया हुआ है, इसका उत्तर दोस्तों ये दिया हुआ, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप जल्दी से नोट करिए कॉपी में अपनी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इन भोली सेंट टू स्कूल, ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ है, नोट करिए कॉपी में अपनी। चौदहवा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, पहला दिया क्वेश्चन इसमें व्हाई डिड लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द अर्निंग इन द सिचुएशन, ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप जल्दी से नोट करिए कॉपी में अपनी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें हाउ डिड मंडेला फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इसमें इन वाट वे वाज वंडर डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, ये दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ, इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। पंद्रहवा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, फिर इसके बाद दिया हुआ अथवा में मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, तो दोस्तों इन दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है अच्छे से, ये दोस्तों दिया हुआ इसका उत्तर, जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। सोलहवा क्वेश्चन दिया हुआ है
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 बर्थ्स। ये दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको कॉपी में अपने सारे क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।